नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जिनीत और आप देख रहे हैं जिनीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले की बात है, लगभग एक महीने के अंदर का ही बात है, मैंने आपको बताया था एक वायरस के बारे में, एजेंट स्मिथ जिसका नाम है। ये एक इस तरह का वायरस है जो कि चुटकियों में आपकी बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, चुटकियों में आपके पर्सनल डेटा तक दूसरों तक पहुँचा सकता है, और जिसके बारे में HDFC बैंक ने अपने यूजर्स को आगाह कर दिया है कि भाई इससे ज़रा बच के रहना, वरना कहीं भी कभी भी आपके साथ ऊंच नीच हो सकती है। तो मैं आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कुछ 6 जरूरी जानकारी, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि साइबर अटैक जब भी कभी हम पर होते हैं, साइबर अटैक यानी कि इंटरनेट का सहारा लेकर यूजर्स को नुकसान पहुंचाना, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इसका वजह जो है हम खुद है, हम अपनी लापरवाही की वजह से हम इसमें फंसते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 6 जरूरी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको इन सब चीज़ों से बचाएगा, इन सब चीज़ों से आपको दूर रखेगा। तो फिर वीडियो में देर किस बात की, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, अननोन सोर्सेस। आप जब भी कभी किसी दूसरे फ़ोन से एक एप्लीकेशन लेते हैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए, या तो फिर कोई ब्राउजर की मदद से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए, तो ऐसे में आपको अपने फ़ोन में सिक्योरिटी में, सेटिंग में, सिक्योरिटी के अंदर जा करके अननोन सोर्सेस को जब तक आप ऑन नहीं करेंगे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा आपकी फ़ोन में। जब कभी आप प्ले स्टोर का इस्तेमाल करके कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ऐसे में अननोन सोर्सेस का जरूरत आपको नहीं पड़ता, ये डिजेबल रहेगा तो भी आपका एप्लीकेशन आपके फ़ोन में लोड हो जाएगा। लेकिन जब कभी आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या फिर किसी और फ़ोन से कोई एप्लीकेशन को लेते हैं तो ऐसे में आपको अननोन सोर्सेस ऑन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गूगल ये कहता है, एंड्रॉयड ये कहता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये ट्रस्टेबल हमारे लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस पर भरोसा कर सकते हैं तो आप इसको यहाँ से लोड कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा मैं आपको कहूँगा अननोन सोर्सेस को ऑन करके कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें, यानी कि सिवाय प्ले स्टोर के कहीं और से भी कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 है एंटीवायरस। हम सबको ये लगता है कि जब तक हमारे फ़ोन में एक एंटीवायरस नहीं है तब तक हमारे फ़ोन में वायरस का खतरा मंडराता है, तो ये गलत है, क्योंकि आपके फ़ोन को ऐसा डिज़ाइन किया हुआ ही है कि उसमें वायरस वगैरह, पहले आप जानते होंगे 5 साल 7 साल 8 साल पहले की बात है जब ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता था तो उस दौरान वायरस अटैक बहुत ज़्यादा फ़ोन्स पर होते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फ़ोन्स डेवलप हो रही है उसी तरह से उसके हार्डवेयर को, उसके सॉफ्टवेयर को ऐसे बनाया जा रहा है कि कोई भी एरर फाइल को आपके फ़ोन में आने वो नहीं देगा। लेकिन हाँ, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी के फ़ोन से कुछ फाइल्स लेते हैं, जैसे कि अभी भी मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में, तो इस तरह की हरकत अगर आप करते हैं तो आ सकता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ये जो एंटीवायरस है ये ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, ये आपके फ़ोन को स्लो करती है, साथ में बहुत सारी चीज़ें जब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हटाना होता है तो वो उनको हटाती नहीं है, रहने देती है। तो मुझे लगता है कि एंटीवायरस कहीं ना कहीं आपके फ़ोन को स्लो करता है, आपके फ़ोन की बैटरी बैकअप पर असर करता है, तो इसलिए मैं कहूँगा एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है, बस आप कुछ चीज़ों को, कुछ नियमों को मान लें, बस फिर आपको कोई एंटीवायरस का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है कभी भी। नंबर 3 है रूटिंग। रूटिंग का मतलब आप जानते होंगे, रूट का मतलब होता है हमारा फ़ोन में एक लॉक लगाया हुआ रहता है, उस लॉक को तोड़ने को कहा जाता है रूट करना फ़ोन को, जिसमें कि बहुत बार कई जगह आपने ये देखा होगा, जो लोग रूट के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किए होंगे, सर्च किए होंगे, उनको पता होगा कि रूट कर देने के बाद से बैटरी बैकअप जो है फ़ोन का बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ों पर आपका कंट्रोल हो जाता है। तो मैं कहूँगा अगर रूट के बारे में आपको कुछ भी पता है, जैसे कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स है जो बिना रूट के काम नहीं करते हैं, और उन सॉफ्टवेयर्स का ज़रूरत सिर्फ उसी बंदे को पड़ता है जो कि थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में जिसको नॉलेज है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा नॉलेज जिसको है उसको ज़रूरत पड़ता है। तो जब तक आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है कि रूट का क्या होता है, क्या रूट का ज़रूरत मुझे पड़ने वाला है, तो तब तक फ़ोन को रूट ना करें। नंबर 4 है गूगल प्ले स्टोर। यहाँ जो भी कुछ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लिए आप कुछ ज़िम्मेदार नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसके लिए ज़िम्मेदार मुझे लगता है कि गूगल खुद है। दोस्तों, जब भी आप ध्यान देते होंगे गूगल प्ले स्टोर में आप कोई सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं तो उससे मिलता जुलता नाम लाखों की तादाद में सॉफ्टवेयर्स उसके नीचे आ जाते हैं, आखिर क्यों? बहुत बार ऐसा सॉफ्टवेयर्स को मैंने देखा है जिनका नाम बिल्कुल हूबहू वैसा ही होता है जैसा मैंने सर्च किया है, उस नाम के 4-5 सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, बस स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो कहीं ना कहीं ये यूजर्स को धोखा दिया जा रहा है यहाँ पे, एक नाम के वजह से बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और वो किसी दूसरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गूगल प्ले स्टोर को या गूगल को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि दूसरे के नाम की कॉपी करना।
तो इन सब चीज़ों को जब तक गूगल नहीं चाहेगा तो ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जब भी कभी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो उसके बारे में पक्की जानकारी ले लें कि कौन वाली एप्लीकेशन आपको ज़रूरत है। नंबर 5 है रिसेंट ऐप क्लियर। आपको याद होगा, आप जब भी कभी खाली टाइम बैठते हैं तो आप अपने फ़ोन में रिसेंट एप्लीकेशंस जो भी कुछ आपने यूज किया है उससे पहले उनको आप क्लियर करते रहते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। रिसेंट एप्लीकेशन को क्लियर कर देने का मतलब लोगों को ये लगने लगता है कि मेरा फ़ोन जो है ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। बल्कि आप एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर चुके हो पहले से, उसको अगर रिसेंट हिस्ट्री से आप क्लियर कर देते हो तो बाद में जब आप उसको फिर से ओपन करोगे तो वो शुरू से प्रोसेस होगा, फर्स्ट से प्रोसेस होगा, धीरे धीरे करके आपको टाइम लगेगा ओपन होने में, जिसमें आपकी फ़ोन की बैटरी पर असर पड़ सकता है। इसलिए रिसेंट ऐप को कभी क्लियर ना करें। ऐसा अगर लगता है बहुत दिन हो चुका है, महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना हो चुका है, काफ़ी सारे 150, 200, 250 रिसेंट ऐप आ गए, तो ऐसे में आगे आप एक बार कर सकते हैं, वरना हमेशा हर बार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो कि लोग अक्सर करते हैं। दोस्तों, आखिरी और सबसे ज़रूरी बात है कि व्हाट्सएप के जरिए से या फिर मैसेज के जरिए से या फिर बहुत सारी वेबसाइट से हमें कई सारे लिंक्स मिलते हैं जिन पर हमें क्लिक करने को कहा जाता है, जिन पर क्लिक करने के बाद कई बार जादू दिखाया जाता है, तो कई बार कुछ लॉटरी वगैरह होता है, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ भी आपके साथ धोखा हो सकता है। यहाँ से एक बग, एक एरर, एक कुछ कोई भी इस तरह की फाइल डाउनलोड करके आपके फ़ोन में रख दिया जा सकता है, जिससे कि आपको वो नुकसान कर देगी। दोस्तों, व्हाट्सएप में कई बार ऐसे आते हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए, आपको ये जो ऑफ़र है, लाखों के सामान आपको कुछ 1000 रुपये में मिल जाएंगे या फिर फ्री में मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको नहीं जाना है। जब भी कभी आप लालच में आते हैं तब तब इन लोगों को मौका मिल जाता है आप पर साइबर अटैक करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों से हमेशा बच के रहें। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है आपको कि फोकट में कहीं कोई चीज़ कुछ भी नहीं मिलता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक से कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।